हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम राइटिंग स्किल्स, सब्जेक्ट हिंदी, कहानी लेखन, राखी का संबंध। कहानी लेखन क्या है, यानी कि स्टोरी राइटिंग। तो आज स्टोरी लिखेंगे राखी का संबंध। यहाँ पर मुद्दा दिया है, यानी कि हमें यहाँ पर आउटलाइन दी जाती है। मुद्दा या मतलब आउटलाइन, तो यहाँ पर आउटलाइन दी है और उस आउटलाइन को अच्छे से समझकर हमें स्टोरी को क्रिएट करना है। खुद से हमें स्टोरी लिखना रहता है। यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा पॉइंटर्स यानी हिंट दी जाती है, जिसे आउटलाइन कहते हैं, और हिंदी में मुद्दा, इंग्लिश में आउटलाइन। तो यहाँ पर पहले आउटलाइन को अच्छे से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी लेखन। यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या है, राखी का संबंध। कभी कभी एग्जाम में यूँ होता है कि हमें टॉपिक खुद से अच्छा टॉपिक सूटेबल सोचना पड़ता है, और लास्ट में नीचे जो उसकी सीख होती है वो भी लिखना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं पहले मुद्दा यानी आउटलाइन। राखी का संबंध रक्षाबंधन से, बहनों को अपने भाइयों का राखी बांधना, राखी के पीछे कहानियां, गुजरात के बादशाह का चित्तौड़ पर आक्रमण करना, महारानी कर्मवती का हुमायूं को भाई मानना, राखी भेजना, हुमायूं का मदद के लिए निकलना, बादशाह के बीच रास्ते में हुमायूं को रोकना, कहना कि काफिरों की मदद ना करना, कर्मवती का युद्ध में मारा जाना, हुमायूं को दुख, बहादुर शाह की चालाकी में भाई बहन का रिश्ता भूला सीख। सो यहाँ पर क्या है, सीख क्या होती है, हमारी जो हमें इस स्टोरी से क्या समझा, तो हमें वो लास्ट में लिखनी पड़ती है, यानी कि मॉरल। तो मुद्दा क्या है, आउटलाइन, और सीख क्या है, मॉरल है। तो हमें कभी कभी एग्जाम में टॉपिक भी लिखा जाता है, उस पर भी 1 मार्क्स होता है, और सीख यानी मॉरल लिखने पर भी 1 मार्क्स होता है। तो अब हमने मुद्दा देखा है, मुद्दे को अच्छे से पढ़ा है, समझा है। अब हम आगे लिखेंगे कहानी। सो यहाँ पर कहानी लेखन क्रिएट है। राखी का संबंध भारत के त्योहारों में एक रक्षाबंधन से है। रक्षाबंधन के दिन बहने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधती है, उसके बाद भाई हर तरीके से उनके रक्षक बन जाते हैं। राखी के पीछे की सभी कहानियां सच्ची होती है, कई ऐतिहासिक कहानियां की भी उपलब्ध है। ऐसी एक कहानी है चित्तौड़ की रानी कर्मवती की। सो यहाँ पर क्या बताया है, पहले आउटलाइन में राखी का संबंध भारत के त्योहारों में है। जैसे आउटलाइन दी गई है, उसमें से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी हमें लिखना है बीच में स्टोरी के। तो यहाँ एक पैराग्राफ हो गया है। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। गुजरात के बादशाह जब चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला था, तब महारानी कर्मवती ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी, ताकि वे बहन की रक्षा के लिए निकल पड़े। हुमायूं ने उसकी राखी स्वीकारी तथा उसे ढेर सारे तोहफे भेजे। अगले दिन हुमायूं अपनी सेना लेकर बहन कर्मवती की मदद करने चित्तौड़ की ओर कुछ किया। निर्भाग्यवश बादशाह ने हुमायूं को बीच रास्ते रोका और कहा कि वे काफिरों की मदद करने निकले हैं, इसलिए हुमायूं आगे नहीं बढ़ सके। इस बीच कर्मवती युद्ध में मारी गई। हुमायूं को दुख तो हुआ, वे सच्चे मन से उसकी मदद करने गए थे। वे बीच में बहादुर शाह कि चालाकी में भाई बहन का रिश्ता भूल गए। राखी का पवित्र बंधन बाकी सभी रिश्तों से बढ़कर है। आज भी हजारों बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, चाहे वे देश में हो या विदेश में। यह थी स्टोरी, जिसमें 3 स्टैंजा लगे, यानी 3 पैराग्राफ में यहाँ पर स्टोरी लिखी गई है। आउटलाइन हमने देखा कि आउटलाइन कैसा था, आउटलाइन से मिले जुले, यानी थोड़ा सेम टू सेम हमें आउटलाइन की लाइंस को भी स्टोरी में मिक्स करना है, यानी लिखना है, और खुद से अपनी एक अच्छी स्टोरी क्रिएट करना है जो सेंसिबल हो और अच्छी सी हो। तो यहाँ पर राखी का बंधन स्टोरी लिखी गई थी, यानी कहानी लेखन। तो ऐसे ही हमें दूसरी भी सब स्टोरीज को लिखनी पड़ती है। यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मुद्दा आउटलाइन है, तो उसे मुद्दे को अच्छे से पढ़कर पूरा हमें स्टोरी आगे की क्रिएट करनी है। राखी का संबंध रक्षाबंधन से, फिर डैश, ऐसे डैश डैश कई सारे होते, बहनों को अपने भाइयों का राखी बांधना, राखी के पीछे कहानियां,
गुजरात के बादशाह यानी हमें आधी आधी कहानी यहाँ पर दी है, वैसे हमें अपनी कहानी को क्रिएट करना है। तो ऐसे कई सारी अलग अलग कहानी आती रहती है तो हम वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर था यानी राखी एक त्योहार है जो भारत में बनी है, यानी भारत का त्योहार है ये। और रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है कि बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधती है, उसके बाद भाई हर तरीके के उनके रक्षक बन जाते हैं। अगर उन्हें एक बार कलाई में बांध दी राखी तो वो उनके रक्षक यानी कि प्रोटेक्टर हो जाते हैं, बन जाते हैं। राखी के पीछे की सभी कहानियां सच्ची होती है, और राखी के पीछे जो सभी कहानियां वो सब सच्ची है। ऐतिहासिक कहानी, ऐतिहासिक क्या यानी जो पुरानी कहानी होती है, हिस्टोरिकल कहानी, हिस्टोरिकल कहानी को ऐतिहासिक कहानी कहते हैं। भी उपलब्ध है यानी ये बताया जो चित्तौर के जो राजा थे जिसने आक्रमण किया था, और रानी महारानी कर्मवती ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। यानी ये सब क्या है, ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल कहानी है जो अवेलेबल यानी उपलब्ध है, वैसे ही यहाँ पर कहानी को क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पर कौन थी, कर्मवती ने हुमायूं को अपना भाई माना था और बहन की रक्षक के लिए निकल पड़े कौन, हुमायूं। तो ऐसे ही रास्ते में कुछ हुआ, फिर हमने फिर थोड़ा सा अलग ट्विस्ट डाल देना चाहिए, फिर लास्ट में क्या हुआ, वैसे ही यहाँ पर स्टोरी क्रिएट की गई है। हुमायूं ने उसकी राखी स्वीकार तथा उसे ढेर सारे तोहफे दिए। फिर हुमायूं ने उसकी राखी को स्वीकार किया यानी एक्सेप्ट भी किया और उसे कई सारे तोहफे यानी गिफ्ट दिए। अगले दिन हुमायूं अपनी सेना लेकर बहन कर्मवती की मदद करने चित्तौड़ की ओर कुछ किया यानी चित्तौड़ की तरफ वो मदद के लिए अपनी बहन के राज्य में पहुंचा। निर्भाग्यवश बादशाह ने हुमायूं को बीच रास्ते में रोका, काफिरों की मदद करने निकले हैं, और कहा कि तुम क्यों काफिरों की मदद करने निकले, इसलिए हुमायूं आगे नहीं बढ़ सके। और हुमायूं क्या आगे नहीं बढ़ा, इस बीच कर्मवती युद्ध में मारी गई, और जो कर्मवती थी रानी वो इस युद्ध में यानी इस फाइट में मर गई थी। तो ऐसे ही हुमायूं दुख तो था यानी वो अपसेट हो गया था, भाई बहन का रिश्ता वो भूल गया था इस बहादुर शाह की चालाकी में। तो ऐसे ही बहन का रिश्ता भूल गए कौन, हुमायूं। फिर ऐसे ही राखी का पवित्र बंधन बाकी सभी रिश्तों से बढ़कर है, जो राखी का बंधन है वो पवित्र यानी प्योर है पूरा बंधन। आज भी हजारे बहनें अपने भाइयों की राखी बांधती है, चाहे वे देश में हो या विदेश में। तो ऐसे एंड यानी कंक्लूजन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा खुशहाली वाला, यानी वो स्टोरी पे डिपेंड करता है। जब अच्छी कहानी है तो उसे अच्छे से कुछ अच्छी लाइंस डालकर उसे एंड कर देना चाहिए स्टोरी। स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 पैराग्राफ, और उसमें ज़्यादा हार्ड वर्ड्स भी नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं सीख। सीख क्या है, मॉरल, यानी हमें इस कहानी से क्या मिला, क्या हमने इस कहानी से सीखा है, वो सीख है, जिसे मॉरल इंग्लिश में कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो हिंदी में सीख कहते हैं। इसका सीख क्या है, भाई बहन के रिश्ते के बीच किसी को नहीं आना चाहिए, भाई बहन के रिश्ते के बीच किसी को नहीं आना चाहिए, ये एक सिंपल सा मॉरल दिया है। मॉरल किसके लिए है, जो भी इस कहानी को पढ़ेगा उसके लिए यह मॉरल है। तो हमने इस कहानी में देखा था कि हुमायूं जो थे वो अपनी बहन के लिए जा रहे थे युद्ध में, बट युद्ध में क्या हो गया, किसी ने उन्हें रास्ते में रोक दिया, कौन, बहादुर शाह ने। तो वह ऐसे ही जो रानी थी वो मर चुकी थी यानी युद्ध में मारी गई, तो हुमायूं को दुख हुआ था और बहादुर शाह ने अपनी चालाकी दिखाकर उसे रोक दिया और वो अपने भाई बहन का रिश्ता भूल गए। फिर बाद में ये यहाँ पर उनकी स्टोरी एंड हो गई। यहाँ पर हमारा था कि हमें कुछ एक अच्छी बात बतानी है लास्ट 2 लाइन में, राखी का पवित्र बंधन बाकी सभी रिश्तों से बढ़कर है, आज भी हजारों बहनें अपने भाइयों की राखी बांधती है, चाहे वे देश में हो या विदेश में। ये एंड हो गई हमारी यहाँ पर स्टोरी। हमने सीख भी लिख लिया सिंपल सी, भाई बहन के रिश्ते के बीच किसी को आना नहीं चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की कहानी लेखन, राखी का बंधन। होप स्टूडेंट्स आपको ये कहानी समझ आई, कैसे लिखना है, कैसे हमें पॉइंटर्स बनाना है, उसमें आउटलाइन से मिलाकर कैसा लिखना है स्टोरी में, और स्टोरी को कैसा क्रिएट करना है। सिंपल और आसान स्टोरी हमें लिखना है ताकि पढ़ने वाला और लिखने वाला भी उसके लिए आसानी हो। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डन विद द वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड। सो
So please subscribe to our channel, like, share and comment, share with your friends and with your classmates. Till then, take care, thank you. And don't forget to check our playlist.